नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित पर्वतीय बसंत उत्सव में उत्तराखंड संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली। पारिवारिक माहौल के बीच हुए इस कार्यक्रम में उत्तराखंड समाज के सभी लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक और IDCA के अध्यक्ष आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के विकास में उत्तराखंड समाज के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा रविवार को भव्य स्तर पर पर्वतीय बसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर्वतीय बसंत उत्सव के इस कार्यक्रम में विभिन्न पहाड़ी कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों ने पहाड़ी भोजन का भी आनंद लिया। समारोह में पूर्व विधायक और IDCA के अध्यक्ष आकाश विजयवर्गीय ने भी शिरकत की और उत्तराखंड की संस्कृति की जमकर सराहना की। आकाश विजयवर्गीय ने समाज के लोगों को सामर्थ्यवान बताया और बताया कि इंदौर के विकास में समाज ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष मीर रंजन नेगी ने कहा कि समाज के लोगों में एक दूसरे से मिलने की ललक होती है और इस तरह के कार्यक्रम सभी को आपस में और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए युवा पीढ़ी को उत्तराखंड संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड समाज देवभूमि उत्तराखंड, जहां कंकर कंकर शंकर है ऐसा कहा जाता है, वहां से ये लोग आए हुए हैं और बहुत ही सामर्थ्यवान लोग हैं। कोई खेल में बहुत आगे है, हम देख सकते हैं। जो अध्यक्ष जी हैं मीर रंजन नेगी जी, खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, और रमेश मेंदोला जी जैसी शख्सियत जो पूरे 4 राज्यों में लगातार सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं, तो ये लोग बहुत ही सामर्थ्यवान लोग हैं। इनके बीच में आके मुझे भी बहुत शक्ति मिलती है और हर वर्ष ये लोग अपने समाज की एकता अखंडता के लिए अपनी संस्कृति परंपराएं आने वाली पीढ़ी जाने पहचाने और उसको अपने अंदर उतारे, इसका ये लोग बहुत ही अद्भुत प्रयास करते हैं। हर वर्ष शानदार आयोजन होता है। मैं सभी समाज जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो बसंतोत्सव आज ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हम जानते हैं रमेश मेंदोला जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं, तो इसीलिए जीतते हैं क्योंकि वो विकास करते हैं। क्षेत्र क्रमांक 2 ही नहीं, पूरे इंदौर में हमेशा सक्रिय रहते हैं और इन लोगों का अपने अपने क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में ये लोग बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। बहुत सामर्थ्यवान लोग हैं ये लोग, बहुत बहुत इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये उत्तराखंड का 34वां साल है। उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था जो यहाँ की मेन संस्था है, उसको हमारे बुजुर्गों ने खड़ा किया बहुत शिद्दत, बहुत ईमानदारी के साथ में, और हर साल एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारे इंदौर और इंदौर के आसपास के जितने लोग हैं, चाहे वो महू हो, राऊ हो, प्रीतमपुर हो, देवास हो, रतलाम हो या फिर भोपाल भी, तो वहाँ से सारे लोग यहाँ पर आते हैं। एक ललक होती है अपने लोगों से मिलने की, एक इच्छा होती है कि कुछ लोग हमारे बीच में आए, और यहाँ हम लोग अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी झलक जो है वो अपने युवा बच्चों को दिखाते हैं। युवा परिवार जो हमारे बच्चे हैं, उनको संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास है, एक मंच देने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि वो लोग भी आने वाले समय में कुछ अच्छा अगर करना चाहें तो। यकीनन करीब करीब 40 प्रस्तुति हम लोगों की रहती है, सुबह से शाम तक ये प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर खाना जो है वो भी पूरा उत्तराखंडी स्टाइल में बनता है। जो भी हमारे व्यंजन हैं हमारे, वो सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं मेरे पीछे जो विभिन्न परिधानों में हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे ये उत्तराखंड की टोपी है बेसिकली, ये हमारा गौरव भी है। हर एक जो लोग हैं अलग अलग तरीके से पहचाने जाते हैं, हम लोग अपनी ये वेशभूषा से भी पहचाने जाते हैं। पिछोड़ा आपने देखा होगा लेडीज़ का, आपको तो जानते ही हैं कि जो हमारे मार्गदर्शक हैं रमेश दादा मंदोला जी, है ना, उन्होंने विकास की तो गंगा बहाई है यहाँ पर। इसके अलावा
जो हम उत्तराखंडी लोग हैं, हमारी जो पहचान है वो हमारी बहादुरी से, हमारी मेहनत से है। और इसीलिए सब अच्छी अच्छी जगहों पर आप देखेंगे, दूर से आए हैं हम लोग, लेकिन आज इस धरती पर हम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इंदौर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हमारे लोग हैं। और इंदौर के विकास के लिए कभी भी कुछ बात निकलती है तो बहुत शिद्दत और बहुत ईमानदारी से हम लोग कदम आगे बढ़ाते हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।